प्रदेश में एक तरफ जहां चुनाव प्रचार अभियान अपने चरम पर पहुंच गया है, तो वहीं बहराइच जिले के केसरगंज में गठबंधन प्रत्याशी के कार्यालय पर हमला कर कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट कर भारी तोड़फोड़ की गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गठबंधन प्रत्याशी चंद्रदेव यादव ने भाजपा प्रत्याशी ब्रिजभूषण सिंह पर कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया है। गठबंधन प्रत्याशी का कहना है कि जब वो जनसंपर्क के लिए बाहर गए हुए थे, उसी दौरान भाजपा प्रत्याशी के कार्यकर्ता यहां पहुंचे और कार्यालय में मौजूद कर्मचारी और कार्यकर्ताओं से गाली गलौज करने के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, भाजपा के लोगों ने कार्यालय की कुर्सी और वाहनों में तोड़फोड़ कर भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वो उच्च स्तर पर शिकायत दर्ज करवाएंगे। जहां ये कार्यक्रम कर रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी ब्रिजभूषण सिंह, वहां इनके पास आदमी नहीं मिल रहे, ये तो चुनाव गए हैं हार। ये चाहते थे, अरे लड़ना हमसे है और हम है ये नहीं है कार्यालय पर, हम तो क्षेत्र में थे और आकर के हमारे वो खाना बनाने वालों को, गाड़ी को नुकसान पहुंचाना, ये इसका क्या प्रतीक है? आई चाहते हैं कि ये करने से चंद्रदेव यादव डरेंगे। अरे चंद्रदेव यादव कतई नहीं डरेंगे, जनता हमारे साथ है और पूरी तरह से इनको चुनाव हरा रही है और बहुत वोटों से ही जो बाकी था वो कल पूरा कर दिए। ये तो हम 2 लाख कह रहे थे, इनको 1.5 लाख वोट पाना बड़ा मुश्किल हो जाए। हम लोग मारने में तो हम बोले मारिए मत, तब भी दौड़ा कर यहाँ मोड़े दान थे वहाँ पे गिरा हम लोग मारे, और बीजेपी का गमछा बांध रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रकरण के संबंध में जो भी हमारे सुरक्षाकर्मी यहाँ मौजूद थे या नहीं, ये तो हम जांच का विषय है। रही बात है कि जो घटना हुई, घटना के संबंध में हम पर्याप्त विजिलेंट हैं और इस ढंग की घटनाओं पर पर्याप्त प्रभावी कार्यवाही करते हुए हम उस पर हमको निश्चित तौर पर प्रत्याशी की सुरक्षा के लिए हम लोग पर्याप्त सचेत हैं, सतर्क हैं। ऐसा नहीं है कि उसके पीछे हम लोग कतई और उसे अनभिज्ञ नहीं है, सारी चीज़ों पर हम लोग 50-70 दृष्टि रखे हुए हैं। प्रत्याशियों की सुरक्षा, उसके साथ साथ आम जनमानस में पुलिस फोर्स की बेहतर जो व्यवस्था है उसका संदेश भी जाएगा। और इस घटना के संबंध में हम विजिलेंट थे, लेकिन उसके बाद भी जो भी चीज़ें आ गई हैं हमने उस पर सतर्क और प्रभावी कार्रवाई। कर्नलगंज थाना क्षेत्र में सकरौरा के पास की घटना है, मेन हाईवे पर है। यहाँ पर गठबंधन की जो चुनाव कार्यालय बना हुआ है, चुनाव कार्यालय पर ही घटना है। उस समय चुनाव कार्यालय पर इनके खाना बनाने वाले लोग और 4-5 कार्यकर्ता मौजूद थे उसी दौरान की। बहरहाल लोकसभा चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर अपने आप को जनता का सबसे बड़ा हितेशी मानने वाले दल अब गुंडागर्दी पर उतर गया है। फिलहाल देखने वाली बात तो ये होगी कि पुलिस क्या एक्शन लेती है। बहराइच से रमेश कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट।